ठीक है, ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द स्पेसक्राफ्ट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ एट हाइट 120 किलोमीटर, व्हाट विल हैपन टू द बॉल। अब अगर आप एस्ट्रोनॉट हो, इमेजिन करो आप क्या हो, एस्ट्रोनॉट हो, अर्थ है और अर्थ आप एस्ट्रोनॉट हो, ठीक है, एस्ट्रोनॉट हो, ए इस स्पेस शिप में आप बैठे हो और ये एक चक्कर लगा रहा है अर्थ का, सेटेलाइट है, ठीक है। अब आप इससे कुछ गिरा देते हो, ठीक है, जैसे मान लो इसे कुछ एक बॉल गिरा देते हो, आपका मन करता कुछ एक्सपेरिमेंट करने का, आप इसी स्पेस शिप में बैठे हो और यहाँ से आपने एक बॉल गिरा दिया, ठीक है, एक बॉल गिरा दिया, आप सोचते हो क्या वो धरती पे चला आएगा क्या? नहीं 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 भाई, बॉल जो अगर स्पेस शिप से गिराओगे, जो सेटेलाइट है अर्थ के राउंड चक्कर लगा रहा, वो अर्थ पे कभी नहीं आएगा और न ही इन्फिनिटी में जाएगा। क्या होगा, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट से समझते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, कि इनके बीच जो है अर्थ के सेंटर पर नेट टॉर्क क्या है, जीरो, क्योंकि एक ही फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। नेट टॉर्क जीरो होता है तो अर्थ और इस सेटेलाइट का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि इस एंगुलर मोमेंटम अगर कांस्टेंट है, अगर इसे कोई भी चीज़ अगर सेपरेट होती है तो उसका भी एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट कितनी है इसकी एंगुलर मोमेंटम, अगर ऐसे एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन हो रहा है तब कि एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन इधर है, और अगर इसकी स्पीड भी है तो इसकी एंगुलर मोमेंटम आप एम भी आर आ जाएगा, ठीक है, MBR। अब जब बॉल गिराओगे तो एंगुलर मोमेंटम उसका भी कंजर्व रहेगा, एंगुलर मोमेंटम तभी कंजर्व रहेगा जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। इसका मतलब ये हुआ कि बॉल जो है उसी ऑर्बिट में उसी डायरेक्शन में उसी स्पीड से चक्कर लगाने लगेगा, उसी ऑर्बिट में उसी, ठीक है, उतना ही स्पीड से उसी डायरेक्शन में उसी एंगुलर मोमेंटम से रिवॉल्व करने लगेगा, ठीक है, it will continue revolve with same speed along original orbit of the spacecraft। ये गया, ठीक है ना। चलो, इसका मतलब ये हुआ कि टू